हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चित्रकार तया मेहता की कला के बारे में। और आज इनकी जयंती भी है, यानी कि 26 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। तो आज जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। और कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज का ये नया वीडियो शुरू करते हैं। चित्रकार तया मेहता के जो चित्र हैं वो मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। और इनका जो जन्म है 25 जुलाई 1925 को गुजरात में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 2009 को हो गई थी। यानी कि जुलाई में ही इनका जन्म और जुलाई में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कला शिक्षा जो है इन्होंने लिया था जे आर्ट ऑफ स्कूल बॉम्बे से। तया मेहता स्वयं को अभिव्यंजनावादी कलाकार मानते हैं। इनका एक चित्र है अनटाइटल्ड, जो मानवीय त्रासदी और जीवन के संघर्ष को व्यक्त करता है। 1971 में इनकी एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी कुदाल, कहीं कहीं कुड़ाल भी लिखा रहता है। और इस फिल्म के लिए उन्हें जो है 1971 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला था। और आपको बता दें कि 2019 में एक NVS एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी पहले से। एक और चित्र है 1965 में इन्होंने एक चित्र बनाया था गिरते हुए शरीर, यानी कि फॉलन फिगर। और इसके लिए इन्हें प्रथम भारतीय तिरानवे का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। एक और पेंटिंग है इनका फिगर ऑफ ए वूमेन, और इसके लिए इन्हें 1965 में ही ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 1988 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र स्त्री भी है। इनकी एक बहुचर्चित जो पेंटिंग है काली, और ये जो है 1989 की पेंटिंग है, 15 जून 2018 में 26 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। और ये एक और इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, ये नवंबर 2018 में करीब 20 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। आपको दिखा देते हैं ये कौन सी पेंटिंग है। ये है दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की पेंटिंग। और 2007 में इन्हें भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो इन्हीं में से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाला है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि तया मेहता ने कौन सी फिल्म बनाई जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला, तो ये आंसर है इसका हो जाएगा कुदाल। तया मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग काली कितने करोड़ में बिकी थी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 26 करोड़ में, और ये 15 जून 2018 में बिकी थी। तया मेहता को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2007 में। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कलाकार स्वयं को अभिव्यंजनावादी कलाकार मानता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, जिनमें से तया मेहता सही आंसर है। और लास्ट है प्रसिद्ध पेंटिंग दुर्गा महिषासुर मर्दिनी किसकी पेंटिंग है, तो इसका जो आंसर है वो है तया मेहता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इनके बारे में, और बस शॉर्ट वीडियो था आज का, ज़्यादा कुछ नहीं था इस आज के इस वीडियो में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।